भाजपा के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने वाले अरुण जेटली का निधन हो गया है। उन्होंने आज दोपहर दिल्ली के एम्स में 12:07 पर आखिरी सांस ली। जेटली एम्स में कई दिनों से भर्ती थे। आज पूरे देश में जन्माष्टमी काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस शुभ अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा, जन्माष्टमी के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्म अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करने का संदेश दिया है। मेरी कामना है कि यह त्योहार सबके जीवन में हर्षोल्लास और उमंग लाए। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा खुशियां और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। राहुल गांधी के नेतृत्व में विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलने के लिए श्रीनगर रवाना होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और कई नेता शामिल होंगे। इसके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी जाने की बात कही जा रही है। अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद सरकार ने किसी नेता को राज्य में आने की अनुमति नहीं दी है। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत क्षेत्रीय दलों के नेता भी नजरबंद हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को 2 श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया गया। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर लगभग हर देश से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, मगर उसे किसी का साथ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से इस मामले पर बातचीत की। खान ने मार्केल से शुक्रवार को फोन पर बात की। बातचीत के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की यह जिम्मेदारी बनती है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेना हमारा आंतरिक मामला है और पाकिस्तान से कहा है कि वो इस सच्चाई को स्वीकार करे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग पर हमला बोलते हुए चीन की ओर से नए शुल्क लगाने की योजना पर तुरंत जवाबी कार्रवाई का संकल्प लिया है। ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों से चीन छोड़ने को भी कहा है। ट्रंप ने कहा कि हमें चीन की जरूरत नहीं है, अगर ईमानदारी से कहूं तो हम उनके बिना बहुत बेहतर होंगे। ट्रंप ने कहा, हमारे देश को इतने सालों में चीन में खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। उन्होंने एक साल में अरबों डॉलर की कीमत पर हमारी बौद्धिक संपदा को चुराया है और वो ये जारी रखना चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। जम्मू कश्मीर में 2 शांत रहने के बाद पाकिस्तान ने शुक्रवार देर रात 7:30 एलओसी पर पलावाला सेक्टर के बरडोग गांव में गोलाबारी की। इस दौरान बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय पोस्टों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। देर रात तक गोलाबारी जारी रही। फिलहाल किसी नुकसान की सूचना नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को हैदराबाद में आईपीएस अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम हैदराबाद के नेशनल पुलिस अकेडमी में आयोजित किया गया था। यहाँ 70 RR अधिकारियों का बुनियादी प्रशिक्षण 18 दिसंबर 2017 से शुरू हुआ था। इस बैच में 92 IPS प्रशिक्षु शामिल थे, जिसमें 12 महिलाएं IPS, 11 विदेशी अधिकारी भी शामिल हैं। अमित शाह ने कहा, ऐसे बहुत सारे IPS अधिकारी हैं जो मामूली पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। NPA में पुलिस अधिकारियों को 20 महीने का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी के शांति नगर इलाके में शुक्रवार देर रात एक 4 इमारत अचानक गिर गई। समाचार एजेंसी NI के अनुसार इमारत के मलबे में दबे 4 लोगों को बचाया गया है। ताजा जानकारी के अनुसार मलबे से निकले लोगों में से 2 की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। हालांकि अभी मलबे में कई और लोगों के दबे होने की संभावना है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है।
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अलगाववादियों के यूएन चलो मार्च के पोस्टर शहर में लग गए। शुक्रवार को सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर आ गई। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की गई। शहर में पाबंदियां सख्त करते हुए कई इलाकों में कटीले तार बिछा दिए गए। लाल चौक तथा सोनावाद जाने वाले रास्ते को सील कर दिया गया, क्योंकि इसी रास्ते पर यूएन का दफ्तर है। सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। यात्रियों की माहौल में सुधार होते देख प्रशासन की ओर से डाउनटाउन व कुछ अन्य इलाकों को छोड़कर ज्यादातर स्थानों से पाबंदियां हटा दी गई हैं।